बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दूसरे दल से आए नेताओं को खास तवज्जो दे दी है और कश्मीर घाटी को लेकर इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुस्लिमों पर दाव खेला है। कश्मीर को फतह करने की रणनीति मानी जा रही है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपनी 45 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दूसरे दल से आए नेताओं को खास तवज्जो दे दी है। बीजेपी जम्मू रीजन में पूरा दमखम लगाएगी और कश्मीर घाटी को लेकर इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुस्लिमों पर दाव खेला है। अब ऐसे में कई जगह पर पार्टी को नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बीजेपी की बदली राजनीति मिशन कश्मीर में मददगार साबित होगी या फिर सियासी कंफ्यूजन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी ने सोमवार को पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ देर बाद के बाद ही वापस ले ली थी। उसके बाद बीजेपी ने उसी दिन पहले 15 उम्मीदवारों की टिकट की सूची जारी की और उसके बाद एक सिंगल कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया था। इसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की गई। इस तरह राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन लिस्ट आने के बाद पार्टी के भीतर सियासी बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर अंतर्कलह मच गई है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के टिकट कटने और सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। टिकटों को लेकर तनातनी इतनी बढ़ गई है कि कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक दे रहे हैं। बीजेपी की सूची में 2014 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने वाले 11 नेताओं के नाम शामिल नहीं है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 6 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो हाल ही में अन्य दलों से आए हैं। बीजेपी के जिन पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों का टिकट कटा है उनके समर्थक खुलकर सड़क पर उतर गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह, पूर्व मंत्री अजय नंदा, पूर्व मंत्री अब्दुल गनी गोली, पूर्व मंत्री रहे बाली भगत, पूर्व मंत्री श्याम चौधरी और पूर्व विधायक चौधरी सुखनंदन जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया है। राजनीतिक विशेषकों की माने तो बीजेपी अपने अन्य वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवारों की सूची से बाहर रखना जम्मू कश्मीर में जमीनी भावना के बारे में पार्टी के भीतर सियासी बेचैनी को दर्शाता है। इसके अलावा बीजेपी में जिस तरह विरोध के सुर उठ रहे हैं उसके चलते पार्टी नेतृत्व सचेत हो गए हैं। खासकर माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी ने रोहित दुबे को पहले प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया। इसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने को लेकर बगावत का झंडा उठा लिया। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल का जिम्मा बीजेपी ने राम माधव को सौंपा है, जिन्होंने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। संघ से बीजेपी में आए राम माधव को जम्मू कश्मीर की राजनीति का जानकार माना जाता है, इसी के चलते उन्हें राज्य का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। राम माधव ही थे 2014 में जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी को एक साथ लाकर गठबंधन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब ऐसे में फिर से उन्हें मिशन कश्मीर का जिम्मा सौंपा गया। राम माधव के ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी फिलहाल टिकट के कटने से नाराज नेताओं को मनाने की है, जिसके साथ वो मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर दाव खेला है। दूसरे दलों से आए ये नेता बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके चलते वो जम्मू कश्मीर के हिंदू गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन बचाए रखने की है। बीजेपी ने आधा दर्जन सीटों पर दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट दिया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र राणा और पीडीपी के पूर्व नेता चौधरी जुल्फिकार, कांग्रेस के पूर्व नेता श्यामलाल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे नाम शामिल हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के पूर्व सहयोगी और मित्र देवेंद्र राणा नागरोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जुल्फिकार राजौरी जिले के बुथल के अपने आदिवासी गढ़ से अपने भतीजे और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जावेद चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने श्यामलाल शर्मा को जम्मू उत्तर से टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने सुरजीत सिंह सलाथिया को सांबा से प्रत्याशी बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एसएसपी मोहनलाल भगत का भी नाम शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें जम्मू संभाग में आरक्षित अखनूर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला है। बीजेपी ने भले ही अपने दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को अपने साथ लाकर चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन इसी के चलते अंदरूनी बनाम बाहरी की समस्या पैदा हो गई है। बीजेपी की सीटों पर अपने नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी साधकर
रखने ही नहीं बल्कि चुनाव में उन्हें एक्टिव रखने की भी टेंशन है। इसके अलावा बीजेपी ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का दावा किया है या दाव चला है, उन सीटों पर हिंदू वोटरों को साध कर रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी कश्मीर घाटी की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कोकरनाग से रोशन हुसैन गुज्जर, कश्मीर घाटी की शंगन अनंतनाग, पूर्व से कश्मीरी पंडित वीर सराफ, पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर, राजपुरा से अर्शद भट्ट, सौपिया से जावद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, शिगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर जरूर कांग्रेस और एनसी के लिए टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन उनके लिए भी जोखिम भरा कदम है। परिसमन के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर बदल गई है। जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ी हैं तो कश्मीर में सिर्फ 1 सीट का इजाफा हुआ। जम्मू रीजन में सीटें अब 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर रीजन में 46 से बढ़कर 47 हो गई हैं। बीजेपी का सियासी आधार जम्मू रीजन की तुलना में कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। जम्मू में बीजेपी 2014 में विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन कश्मीर क्षेत्र वाले इलाके में खाता भी नहीं खोल सकी थी। कश्मीर के रीजन में हिंदू वोटर का प्रभाव बहुत नहीं है, लिहाजा इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। कश्मीर घाटी में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दाव लगाया है, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी ने कश्मीर पंचायत चुनाव में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों पर दाव खेला था, उसमें पार्टी कुछ हद तक कामयाब रही थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी इस स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने भले ही सियासी कन्फ्यूजन बनाया है, लेकिन कश्मीर को फतह करने की रणनीति मानी जा रही है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।